अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पेश आई। व्हेनेवर जब मैथमेटिशियंस इस तरह के इक्वेशन के साथ काम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्सेट्रा, ऐसी इक्वेशंस को जब वो हल कर रहे थे, हल करना चाह रहे थे, उनको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। और वो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा था। हम इस फर्स्ट वाले को यहां से ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो था। अब अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर आप लोगों के पास बराबर हो जाएगा माइनस वन की। अगले स्टेप में हमने यहां से एक्स को फिर फाइंड करना है क्योंकि यहां पर ये प्लस था तो दोनों साइड ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमें यहां पर इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना होगा, इधर भी हमें स्क्वायर रूट लेना होगा और इधर भी हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन या स्क्वायर रूट माइनस वन आ गया। इसमें आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एक दफा ये प्लस फॉर्म में आ गया और एक दफा ये आप लोगों के पास माइनस फॉर्म में आ गया। अब अगर आप लोग इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहो, स्क्वायर रूट माइनस वन को कैलकुलेटर से देखो, जिससे भी देखो, तो वो आप लोगों को वहां पर एरर देगा, वो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकेगा। तो फिर एक स्पेस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड आयलर, उसने सबसे पहले आइडिया दे दिया। उसने यहां पर एक नया सिंबल बता दिया हमें और उस नए सिंबल को उसने नाम दे दिया आयोटा, जिसको हम स्मॉल आई से लिखवाते हैं। आयलर कहता है कि जब भी आप लोगों के पास माइनस वन के ऊपर उसका रूट आ जाएगा तो उसको हम यहां पर एक नाम देंगे और वो नाम आप लोगों के पास होगा आयोटा। तो उसने कहा कि आयोटा आप लोगों के पास बराबर है अंडर रूट माइनस वन के या स्क्वायर रूट माइनस वन के। अब अगर यहां पर देखा जाए तो आप लोग के पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू आयोटा आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा आप लोगों के पास आ गया। वन इज आयोटा एंड द सेकंड वन इज माइनस आयोटा। अब आयोटा की वैल्यू तो हमने यहां पर लिखवा दी है विच इज अंडर रूट माइनस वन, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो हमें दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर ले लिया हमने और इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन। अब अगर हम आयोटा क्यूब को फाइंड करना चाहेंगे तो दोनों साइड आप लोग आयोटा मल्टीप्लाई करो, इधर भी आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा आयोटा पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसी तरह अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हो आयोटा पावर फोर, तो इस आयोटा स्क्वायर के साथ आप लोग दोबारा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास आयोटा पावर फोर और ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर आप लोगों के पास बराबर है माइनस वन के। तो माइनस वन और माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आप लोगों के पास प्लस वन बन जाएगा, तो आयोटा पावर फोर की जो वैल्यू आप लोगों के पास आ गई वो आप लोगों के पास वन आ गई। इस तरह आप लोग आयोटा पावर फाइव, आयोटा पावर सिक्स, आयोटा पावर सेवन और भी आप लोग बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम इस दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसमें भी आप लोगों के पास जब एक्स को हल करोगे तो कुछ सिचुएशन इस तरह आप लोगों के पास बनेगी इसमें, और हम इसको फिर लिखवा सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन।
वापस यही आएगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट होगा ये आप लोगों के पास 2 के ऊपर भी होगा और ये -1 के ऊपर भी होगा, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट 2। इसकी जगह में उल्टा लगा दिया। और सिमिलर केस आप लोगों के पास इसके लिए भी है। तो अब मैथमेटिशियन ने कहा कि आप लोगों के पास जिस नंबर के साथ भी मल्टीपल फॉर्म में आयोटा आ जाए या उसके साथ मल्टीपल फॉर्म में अंडर रूट -1 आ जाए, तो उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया। और वो नया नाम क्या था? वो नया नाम था इमेजिनरी नंबर। आप लोगों ने अंडर रूट -1 ले लिया, आप लोगों ने अंडर रूट -3 ले लिया, अंडर रूट -2 था, अंडर रूट -4 था, अंडर रूट -5 था। इट मीन दैट कि जब भी हमारे पास रूट के अंदर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो नंबर आप लोगों के पास एक इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे हमने यहां पर इसको कन्वर्ट कर दिया, अंडर रूट 2 यहां रह गया और उसके साथ उस माइनस की जगह आयोटा आ गया। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर दी, आप आयोटा क्यूब भी फाइंड कर सकते हो, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5 एंड सो ऑन। और ये सारा काम किसने किया था? स्विस मैथमेटिशियन ड्यूनॉट आइलर ने, और उसने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आयोटा को। और उसने कहा कि जब भी अंडर रूट -1 आएगा तो उसकी जगह आप लोगों ने आयोटा लिखवाना है, सिंबल लिखवाना है, जिस तरह हम पाई एक सिंबल यूज करवा रहे हैं, ई हम एक सिंबल यूज करवा रहे हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन की तरफ आ जाए, जब उसको अगर हम डिफाइन करना चाहे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स मीन, जब आपके पास मोर देन दो चीज आपके पास वहां पर मोर देन वन एक चीज वहां पर आ रही है आपके पास, और वो आपके पास है कि एक नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जिसमें आप लोगों के पास जो ए और बी है ये दोनों आप लोगों के पास रियल नंबर है, जबकि आयोटा आप लोगों के पास है अंडर रूट -1 के बराबर। जब कोई भी नंबर आप लोगों के पास इस फॉर्म में आएगा तो उसको कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करवाते हैं। अब यहां पर आप लोग दो चीजें देख रहे हो, एक ए दूसरा आप लोग के पास बी आयोटा है। ए को कहा जाता है रियल पार्ट, जबकि बी को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि उसके साथ मल्टीपल फॉर्म में आयोटा था या अंडर रूट -1 था। अब एक आपके पास रियल पार्ट आ गया, दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि आप लोगों के पास जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड का वो ए है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो है वो आप लोगों के पास बी है यहाँ पर। अब यहां पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसको हमने जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर ए की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा जीरो प्लस बी आयोटा, और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा बी आयोटा आ जाएगा। अब अगर आप लोग यहां पर देखो तो इधर आप लोगों के पास इसके साथ कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो ये फिर आपके पास बन जाता है पेवर इमेजिनरी नंबर है आपके पास, क्योंकि यहां पर और कोई रियल पार्ट आपके पास नहीं है। अगर आप लोग ए और बी दोनों को जीरो कर देते हो, आप लोग ए को भी जीरो ले लेते हो, बी को भी आप जीरो लगाओ, तो ये आपके पास बन जाएगा जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। फिर इसको कहा जाता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहा जाता है।
और ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको जिसके साथ भी ऐड करोगे उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इजिकल टू टू लिख रहा हूँ, तो टू को हम लिखवा सकते हैं 2 + 0 है होता, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आप लोगों के पास। तो इट मीन दैट हर रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के पास रियल नहीं हो सकता। अगर हम इसको सेट फॉर्म में डिफाइन करना चाहें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कुछ इस तरह आप लोगों के पास बनेगा जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू a+ b i, वेयर आपके पास जो a और b है ये दोनों आप लोगों के पास रियल नंबर है, लेकिन जिस टर्म के साथ भी आयोटा आ जाता है मल्टीपल फॉर्म में, तो फिर वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है उसका, एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो इसको हम सेट फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं जिस तरह हम रियल नंबर्स को लिखवाते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कंजुगेट की, कि व्हाट इज कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ b i, सो देन आप लोग जब इस जेड के ऊपर बार ले लो, तो वो बार आप लोगों के पास इस पर भी अप्लाई होगा। बार की खसूसियत ये होगी, कंजुगेट की खसूसियत प्रॉपर्टी ये होगी कि वो इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका साइन चेंज करेगा। इट मीन दैट कि हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल होगा, अगर साइन प्लस होगा तो वो माइनस बन जाएगा, और अगर साइन आप लोगों के पास माइनस होगा तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव में, और इसको कहा जाता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह हम बात करते हैं इक्वलिटी की, कि इक्वलिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं, तो इक्वलिटी में भी आप लोगों के पास कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे Z1, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ i b, और Z2 आप लोगों के पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c+ i d। तो आप लोगों के पास Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे तब, इफ एंड ओनली इफ, अगर रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाए, तो तब आप लोगों के पास यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे दे आर इक्वल, बराबर होंगी। जिस तरह हम रियल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस करवा सकते हैं, और वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, जो आप लोगों ने रियल नंबर के लिए डिस्कस की थी, पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 के बराबर है, तो Z2 जो होगा वो आप लोग के पास Z1 के बराबर होगा। इसको हमने कहा था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री से निकला हुआ था। और एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास, और उसका नाम था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो Z2 के, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो Z3 के, तो जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो बराबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के, तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने इनिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर का बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर लिया, कंजुगेट को डिस्कस कर लिया हमने, इक्वलिटी को डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जिसमें रिफ्लेक्सिव होती है आप लोगों के पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वो नंबर है जिसमें आप लोगों के पास किसी नंबर के साथ आयोटा आ जाए, किसी नंबर के साथ √-1 मल्टीपल फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करवाते हैं जेड के साथ। उम्मीद है स्टूडेंट्स
आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिटेल से समझ लिया होगा। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज आयोटा, व्हाट इज रियल पार्ट, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।